हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही स्पेशल बेबी कॉर्न टिक्का मसाला की रेसिपी। हम अक्सर रेस्टोरेंट में जाकर कोई ना कोई टिक्का मसाला की डिशेस को जरूर ट्राई करते हैं, पर इस पेंडेमिक में हम बाहर तो जा नहीं सकते, तो क्यों ना ऐसी ही एक रेस्टोरेंट स्टाइल टिक्का मसाला की रेसिपी को घर पे ट्राई करें और अपने फैमिली के साथ एंजॉय करें। तो चलिए हम आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बेबी कॉर्न टिक्का मसाला के लिए सबसे पहले हम बेबी कॉर्न को कट करके इसे बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लगभग 7 से 8 बेबी कॉर्न लिया है। अब हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, तो ये बेबी कॉर्न अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे पानी से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी बेबी कॉर्न को निकाल लिया है। अब हम मैरिनेशन बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। मैरिनेशन बनाने के लिए एक मिक्सिंग बाउल में डालेंगे 2 टेबल स्पून दही। इसी के साथ इसमें जाएगा हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, भुने हुए जीरे का पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। यहाँ पे मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर का यूज किया है, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। इसी के साथ हम डालेंगे नमक 1/3 टीस्पून, कसूरी मेथी 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, नींबू का रस 1 टीस्पून, बेसन 2 टीस्पून, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ लगभग 1 टेबल स्पून हॉट मस्टर्ड ऑयल। अब सारे चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करते समय आपको यहाँ पे बैटर थोड़ा थिक लगे तो आप यहाँ पे 1 टेबल स्पून वाटर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैरिनेशन रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ये बॉइल्ड बेबी कॉर्न ऐड कर देंगे। इसी के साथ मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक अनियन और एक कैप्सिकम, जिसे मैंने इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। अब सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करके इसे हम लगभग आधे घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। तो यहाँ पे आधा घंटा हो चुका है। अब हम एक पैन गरम करेंगे और इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल। ऑयल जब गरम हो जाए तब हम सारी वेजिटेबल्स को इसमें डाल देंगे। अब हम इसे इसी तरह से पलटते हुए सारे साइड से 4 से 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं और ये वेजिटेबल्स भी अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसे इस तरह से भी एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके ग्रेवी बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। मैंने सेम पैन को फिर से गर्म करके इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। तेल जब गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे 1/3 टीस्पून जीरा, 1 पिंच हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और यहाँ पे मैंने एक स्मॉल टमाटर और 2 स्मॉल अनियन और एक हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया है। इसे हम तेल में डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसे मैंने बहुत ज्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाया है। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए लगभग 4 से 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं और ये ग्रेवी भी अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी, इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब सारे वेजिटेबल्स को हम ग्रेवी में ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस अब इसे कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। 3 मिनट हो चुके हैं और हमारी बेबीकॉर्न टिक्का मसाला भी एकदम रेडी है। अब हम फ्लेम को बंद करके इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। तो सुपर टेस्टी बेबी कॉर्न टिक्का मसाला रेडी है। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना, आपको भी ये बहुत पसंद आएगा। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।